जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में आज सेहत की खदमात खवातीन और बच्चों तक पहुंच रही है। जहां रियासत के गांवों में खवातीन की सेहत बेहतर हो रही है, वहीं जजकी के सुर्ख अमवात और बच्चों के सुर्ख अमवात में कमी आ रही है। आज रियासत के गांवों में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और हैज जैसी बीमारियां भी कम हो रही हैं। रियासत के देही इलाकों की हालत बदल गई है क्योंकि उन्हें आशा वर्कर्स की हिमायत हासिल है। जी हाँ, आशा वर्कर्स रियासत की खवातीन और नौजायदा बच्चों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आई हैं। आज उनकी वजह से सस्ती और अच्छी सेहत की खदमात गांव और देही इलाकों तक पहुंच रही है। आए आपको उनके बारे में बताते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज मिशन के तहत गांव के लिए एक तरबियत याफ्ता खवातीन कम्युनिटी हेल्थ वर्कर फराहम की गई हैं। आम बोलचाल की जबान में इन्हें ही एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट यानी आशा कहते हैं। आशा वर्कर्स का इंतखाब गांव से ही किया जाता है, इसलिए वो गांव के लिए जिम्मेदार हैं। आमतौर पर वो अपने गांव के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, जैसे किसका घर कहाँ है, कौन सी सड़क कहाँ जाती है, नकल व हमल के जरिए क्या है वगैरह। आशा वर्कर्स गांव और माउन दाई के दरमियान राब्ते का काम करती हैं। आशा वर्कर्स अपनी पंचायत के सामने जवाबदेह होती हैं, लिहाजा हर किस्म की हिफाजती प्रोग्रामों को फरोख देकर जननी बच्चों के सेहत प्रोग्राम के बारे में आगाही फैलाने, गांव में बैतुल खला की तामीर और सेहत का ख्याल रखना किसी दूसरे मुतालिक प्रोग्राम में व आंगनवाड़ी प्रोग्राम और महकमों के मुलाजमीन जैसे ANM वगैरह की मदद करती हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप को बाख्तियार बनाने में भी इनका अहम किरदार है। गांव के इलाकों में वसाइल की अदम मौजूदगी में भी नौजायदा बच्चों की देखभाल किस तरह की जानी चाहिए, इस बात की मालूमात उन्हें होती है। आज मुल्क में 8 लाख से ज्यादा आशा वर्कर्स हैं, जो मेहनत, लगन और अजम के साथ हिंदुस्तान के गांव का चेहरा बदल रही हैं। हिंदुस्तान की बड़ी गांव की आबादी तक रसाई हासिल है। लोगों से इनका लगाव इतना खास है कि लोग आम तौर पर इन्हें आशा वर्कर्स नहीं बल्कि आशा बहन या आशा दीदी कहकर बुलाते हैं। बढ़ती हुई आबादी हिंदुस्तान के लिए एक संगीन मसला बनता जा रहा है। तरक्की पजीद मुल्क होने के नाते हुकूमत हिंद आबादी कंट्रोल के लिए कई प्रोग्राम चला रही है। भारत में बढ़ती हुई आबादी की एक अहम वजह लोगों में शऊर की कमी भी है। गांव के इलाकों में ये आशा वर्कर्स खवातीन को मनाए अमल फराहम करने के लिए साथ साथ सेहत के मराकज से मदद भी दे रही हैं। हुकूमत हिंद की महत्वाकांक्षी स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को देहाती सतह पर कामयाब बनाने के लिए ये काम खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजाहत, सेहत, खानदानी बहबूद और वजारत आसानी वसाइल के ताउन से मुख्तलिफ काम कर रही हैं, जिससे लड़कियों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक दूर हो रहे हैं, लोगों की मुनफी जहनियत में तब्दीली हो रही है। इस तरह सुकन्या समृद्ध योजना के बारे में घर घर तक बताने में उनकी अहम शराकत है। इस स्कीम के तहत आशा वर्कर्स लड़की के वालिदैन को लड़की के नाम पर अकाउंट खोलने के लिए तहरीक दे रही हैं। गांव में आज गैस सिलेंडर कनेक्शन तेजी से लगाए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजर करने वाली खवातीन को आशा वर्कर्स इसके बारे में आगाह कर रही हैं। आशा वर्कर्स के साथ खवातीन को उड़ने में कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं, कोई तकलीफ नहीं।